तो यार देखते हैं अपना नया सवार क्या करता है। तो ओ भाई, ओ भाई, लिटरली हवा में उड़ा दी। हेलो एंड वेलकम गेमर, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम मेंथिस और आप देख रहे हो ड्रैगन गेमिंग YT। जैसा कि आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हमने बहुत सारा पैसा को अर्न कर लिया था, मतलब अर्न तो नहीं किया, एक बंदे ने भाई डायरेक्टली आकर हम लोग को 750 मिलियन रुपया अदा कर दे दिया। तो यार आज हम लोग वही करने वाले, मतलब कि समझो कि आज हम लोग एक गॉड आर्मर को बाई करने वाले और भाई एक लिटरली बहुत ही औसम सा सॉर्ड भाई बाई करने वाले हैं। तो लिटरली इस वाली वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज और भी चीज होने वाला। तो यार दरअसल मैं वीडियो को शूट करने आया था, लेकिन भाई मेरे को मेन टारगेट था कि मैं बिल्डर वैन को बाय करने वाला था। सो भाई मैंने कुछ बिल्ड करने वाला था बिल्डर वैन से, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली मेरे को पता नहीं था कि बिट्स बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब कम तो नहीं मिलते लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है यार। कितना भी तुम बूस्टर को भी खा लो तब पर भी, तो मैं लिटरली इसमें बूस्टर को भी खाऊंगा। तो यार बाकी ये जो अभी आप लोग आर्मर देख रहे हो ये टेम्पररी है, जो कि मेरे ही एक दोस्त ने दिया है। बाकी बदले में मैं भी उसको कुछ पैसा वगैरह दे दिया, जो कि अप्रोक्स 150 मिलियन के अप्रोक्स था, तो मैंने उसको दे दिया। जो कि अभी आप लोग आर्मर देख सकते हो जो कि ठीक ठाक सा ही है, लेकिन उसने बोला कि एक बस काम चला हुआ है, तुम एक अच्छा सा आर्मर बाइक कर लेना, और उसने मेरे को एक आर्मर भी बताया था। बाकी मैंने कुछ और पैसे से भाई सुपर कम्पैक्टर और कुछ प्लाज्मा बकेट खरीद के सारे मिलियन में डाल दिया, बस एक को छोड़कर। लेकिन आप लोग देख सकते हो ये अभी से इंचेंटेड फॉर्म कर रहा है, बस इसी में मैंने वो नहीं डाला है सुपर कम्पैक्टर 3000, बाकी इसमें ही मैंने लावा डाल दिया, लावा बकेट। बाकी चलते हैं, सबको हम लोग पहले तो इसमें रख देते हैं जो भी है भाई। अभी मैं सबको कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार अब हम लोग बहुत निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि यार हम लोग को अब कोई बार बार कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ये सब अब इंचेंटेड फॉर्म में देगा और हम लोग को अब कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोग मुझे बहुत सारे बोलते हैं कि यार आप गोल्ड ब्लॉक ले लो, उससे आप लोग बैंक अपग्रेड कर दो, तो मैंने वो भी अपग्रेड कर चुका है। तो भाई अब हम लोग चलते हैं अपने वहाँ पे ऑक्शन हाउस पे, और सबसे पहले तो भाई तलवार बाई करते हैं, क्योंकि यार हम लोग पास एकदम भाई लो क्वालिटी वाला सॉर्ड है जो कि हम लोग को फ्री में भी मिला है। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं सॉर्ड को बाई करने, लेकिन अभी आप लोग को बता देता हूँ कि ये देखो मेरे बैंक में 500 मिलियन पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं यहाँ से 20% निकालता हूँ, जो कि अप्रोक्स 100 मिलियन के अप्रोक्स होगा, तो 100 मिलियन यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ और चलते हुए फटाफट से किसी भाई सॉर्ड को बाई करने के लिए, देखता हूँ कितने में हम लोग को पड़ता है। तो आप लोगों में बहुत सारा कमेंट आया था कि भाई आप एक फायर ऑफ एक्सपेक्ट करके भाई कोई तलवार है उसको बाई करो, जो कि यहाँ का सबसे बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक सॉर्ड वही है। तो आज हम लोग वही को बाई करने वाले हैं। तो देखो ये है भाई वो एक्सपेक्ट एट द इन नाम है उसका, मैं गलत नाम ले लिया। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है भाई, मैं क्या लूँ भाई, सबका अलग अलग नाम है भाई। ये तो 200 मिलियन है बेच रहा है लिटरली भाव। तो यहाँ पे हम लोग सर्च सिंपली कर लेते हैं कि एक्सपेक्ट ऑफ द सॉर्ड करके कुछ भी सर्च कर लेते हैं, एक्सेप्ट ऑफ द इंड, तो इतना ही सर्च करते हैं, देखते हैं कि आता है। तो भाई इतना सॉर्ड आ चुका है हम लोग के सामने, और इसमें से भी हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही तलवार है। तो 5 से 6 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो ये मैं बाई कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता ही पड़ रहा है और ठीक ठाक सा ही है, जबकि सबका नॉर्मल इफेक्ट लग रहा है देखने में। तो देखते हैं भाई बैंक में, देखते हैं भाई, देख लो यहाँ पे मैंने कुछ गोल्ड ब्लॉक से अपना बैंक को अपग्रेड कर चुका हूँ, जो कि देख सकते हो यहाँ पर। तो लेवल 3 का बैंक हम लोग का हो चुका है, और भाई लास्ट लेवल के लिए 50 इंचेंटेड गोल्ड ब्लॉक और 500 मिलियन मतलब 50 मिलियन चाहिए। तो फटाफट से पहले तो हम लोग कम्युनिटी शॉप जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बिल्डर वैन चाहिए। तो ये 1200 बिट्स का पड़ रहा है, और हमारे पास भाई लिटरली 300 बिट्स है, 3000 बिट्स है, तो हम लोग को मे भी 4 और खाना पड़ेगा या 3 और खाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं 2 खा लेता हूँ, जो कि भाई इधर ही मिलता है बाज़ार में। तो ये हम लोग को 3 मिलियन के अप्रोक्स 1 पड़ जाता है, तो हम लोग को 6 मिलियन यहाँ पे अभी खर्च करता हूँ, जो कि 2 हम लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोग को आर्मी बाइक करना है, तो हम लोग को इतना ही में सब चीज़ करना है 100 मिलियन में। तो हम लोगों ने 2 बाइक कर लिया है, और अब फटाफट से चलते हैं आइलैंड पे, क्योंकि हम लोग को इसको खाना भी है तभी ये बिट्स देता है। और भाई मेरे को ये जरूर बताना है कि ये इतना धीरे धीरे बिट्स क्यों देता है, क्योंकि यार मेरे को लगा कि एक बार खा वो सिंपली बिट्स मिल जाता है, लेकिन मैं दोनों को खा लिया और अब धीरे धीरे करके ये बिट्स देगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बिल्डर वैन खरीदूंगा, क्योंकि यार अभी मेरे पास वो इतना बिट्स नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग एक आर्मर कौन सा सही रहेगा। तो भाई इसका पूरा सेट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मिथिक सुपीरियर ड्रैगन आर्मर है। तो ये कैसा आर्मर है वो जरूर बताना, बाकी मैं यही आज बाई करने वाला हूँ, जो कि प्राइस भी ठीक ठाक पड़ रहा है और इफेक्ट वगैरह भी ठीक ठाक लग रहा है और लेजेंडरी में आता है, तो मैं इसी को बाई करने वाला हूँ। तो ये देखो मैं 4 को ऑक्शन पे लगा दिया हूँ अपना बिड, और मे भी शायद ही कोई बाई करेगा, तो इसके लिए तो अभी 1 आवर है। तो फटाफट से हम लोग कुछ करते हैं, और पहले तो यार
ये देखो हम लोग का आर्मर जो कि अभी ठीक ठाक सा लग रहा है, बाकी हम लोग इंतजार करते हैं उसके आने का। तो भाई इसके पास कौन सा आर्मर है, तो ये फेरी सुपीरियर ड्रैगन लेगी भाई, ये मिथी का आर्मर है। तो जरूर बताना कौन सा सही है, इसका आर्मर सही है या फिर जो मैं बाई कर रहा हूँ वो वाला आर्मर, और जो मैं बाई कर रहा हूँ उसको हम लोग क्या अपग्रेड और कर सकते हैं वो भी जरूर बताना। तो यार अब हम लोग बिल्डर में आ चुके, बिल्डर के पास और थोड़ा सा डर ये ग्रास ब्लॉक बाई कर लेते हैं, क्योंकि यार हमारे आइलैंड पे जानते ही हो कई कई जगह पे वुड प्लैंक लगा हुआ है, तो यार उसको हम लोग को हटाना है। तो जैसे कि ये देखो, तो हम लोग इसको हटा कर यहाँ पे ग्रास ब्लॉक लगाते हैं। तो यार बस 2 मिनट में यह सब कम्प्लीट हो जाएगा, तो फटाफट से जरूर हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग का वो भी हो जाएगा जो कि ऑक्शन पे टाइम है। तो शॉर्ट तो पहले आ जाएगा क्योंकि यार वो 10 मिनट ही और बचा हुआ था, लेकिन यार थोड़ा सा आर्मर में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यार उसमें थोड़ा सा भी टाइम बचा हुआ है। तो भाई जल्दी जल्दी इसको हम लोग पूरा फिलअप करते हैं। तो भाई ये देखो वो हमारा फिलअप होकर पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और कुछ टॉर्चेज वहाँ से निकाला था तो इसको भी फटाफट से लगा कर कम्प्लीट कर देते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो अब देखो यार हमारा आइलैंड भाई पूरा ग्रीन लग रहा है जो कि सही है। तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि यार हम लोग को एक और बूस्टर भी खाना है, तब हम लोग को 1200 होगा क्योंकि अभी हमारे पास मतलब 12000 है, हमारे पास 9000 के अप्रोक्स बूस्टर क्योंकि हो चुका है। एक और लास्ट खाना है जो कि हम लोगों ने खा लिया, अब हम लोग का आराम से 12000 हो जाएगा, जिससे हम लोग अपना आराम से बिल्डरमैन को बाइक कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अब तलवार, देखते हैं कि हमारे में भी तलवार का टाइम पूरा हो चुका है। तो ये रहा शोर, तो भाई हाँ भाई इसका हो चुका है, जो कि ये मेरे को पड़ा है 44 मिलियन में, मे बी यार ये बहुत ज़्यादा, लेकिन हो चुका है भाई कम्प्लीट। तो इसको बाइक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा था तो हम लोगों ने बाइक कर लिया। अब इसका तलवार का देखते हैं खासियत क्या चीज़ है, तो हम लोग इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी हमारा नॉर्मल तलवार भाई बहुत ख़राब था, कि आपको ही पता है फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो 8 ब्लॉक के रेडियस से मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो फटाफट से दाब कर देखते हैं कि राइट क्लिक से कि हम लोग कर पाते हैं, भाई लिटरली हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन यार इसका माना बहुत कम है। तुम लोग देख सकते हो 190 के अप्रॉक्स है, बाकी देखते हैं भाई। देखो 2 बार किया और ख़त्म हो गया यार इसका पावर। तो यह जो बताना कि हम लोग माना को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यार हमारे पास देख सकते हो 130 के अप्रॉक्स है, तो इसको हम लोग को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है वो जरूर बता देना। बाकी हम लोग का आर्मर में थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इस तलवार का थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं कि कैसा है, बाकी देख लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। तो हमारा पहले तो इस तलवार का देख लो यार ग्लिच फिक्स कैसे होगा, और भाई हमारा आर्मर में अभी भी 1/2 घंटा के अप्रोक्स टाइम बचा हुआ है। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट का वो एबिलिटी चेक कर लेते हैं क्या क्या एबिलिटी इसमें दिया हुआ है। तो यार उससे पहले हम लोगों ने पहले यहाँ से कुछ वो बाई कर लेते हैं गिफ्ट वगैरह, क्योंकि आज तक हमने कभी गिफ्ट बाई नहीं किया है। तो थोड़ा सा गिफ्ट बाई कर लेते हैं, जो कि 1 स्टैक बाई कर लेते हैं, जो कि हम लोग को 2 मिलियन के अप्रोक्स पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग बाइक कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ दूसरे का ही वो खेल वो खोला है, गिफ्ट वगैरह का भी अपना नहीं खोला। तो फटाफट से किसी बंदे को खोजते हैं कि यार हम लोग का गिफ्ट खोल दो। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन यार ये लोग तो किसी और चीज़ में बिजी है। मैंने गिफ्ट दिखाया लेकिन यार कोई बंदा राजी नहीं हो रहा है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं और किसी और को खोजते हैं। तो भाई मेरे को एक बंदा मिला जो कि जैन प्रो है, इसको हम लोग कैसे भी करके इधर बुलाते हैं, आजा भाई अंदर बैंक में आजा। तो ये बंदा तो आ रहा है बैंक में, तो इसको हम लोग खोल कर दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो भाई ये देखो मैं इसको दे रहा हूँ भाई, ये लिटरली खोल रहा है। तो भाई हम लोग तो रोज़ दूसरे का खोलते थे, लेकिन यार आज हम लोग अपना किसी से अपना गिफ्ट वगैरह को दे रहे हैं उसको, तो उसका ही प्रॉफिट हो रहा है, हमारा भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा मेरा हम लोग का भाई थोड़ा सा चाहिए हम लोग का कॉम्बैट लेवल। तो यार लिटरली थोड़ी देर के बाद ये खुद भी मतलब इसके पास भी था, और ये मेरे को भी दे दिया कि भाई तुम भी मेरा खोल दो। तो देखो मैंने भी इसका गिफ्ट वगैरह ओपन कर रहा हूँ। तो यार लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसका भी गिफ्ट और अपना भी गिफ्ट करते करते, तो मे भी यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टाइम हो चुका है, जो कि 10 से 15 मिनट मैंने यहीं पे लगा दिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग स्वॉर्ड का टेस्ट करेंगे, जो कि भाई ये देखो यार ये मेरे को हवा में उड़ा दे रहा है, और मेरे को पता नहीं कि मेरा माना कैसे अपने आप बढ़ गया, जो कि तुम लोग देख सकते हो 300 के अप्रोक्स मेरा माना बढ़ चुका है, जो कि अभी 100 था। यार ये कैसे बढ़ा मेरे को खुद नहीं पता। बाकी हम लोग वेट करते हैं मेरा माना को फुल होने के लिए, उसके बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तो मेरा माना फुल हो चुका है, और भाई लिटरली मैं हवा भाई कितना दूर मेरे को फेंक दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। तो भाई हम लोग का तलवार तो बीस्ट मोड जैसा काम कर रहा है, तो हम लोग का जैसा ऊपर जाना है तो जो कि देख सकते हो भाई कितना लिटरली बहुत ज़्यादा सही है, हम लोग को शॉट मिल चुका है। तो अब बाकी है भाई आर्मर का, तो देखते हैं कि आर्मर कब तक हमारा कंप्लीट हो सकता है ऑक्शन पे। तो बस थोड़ा देर और भाई हमारा आर्मर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि अब मतलब हो ही गया होगा। तो यार मैंने अच्छा खासा टाइम थोड़ा सा शॉट को एक्सपेरिमेंट करने में लगा दिया, तो अब चलते अपने आर्मर पे।
तो यार हमारा आर्मर तो हो गया होगा रेडी। तो भाई हाँ भाई, हमारा आर्मर सब चीज़ रेडी हो चुका है, अब बाकी है उसको इक्विप करने का। तो फटाफट से इन सबको हम लोग यहाँ से ऑक्शन से निकालते हैं और भाई इक्विप करके देखते हैं कैसा इफेक्ट वगैरह हम लोग को मिलता है। तो यार मैंने सारा मतलब वहाँ से ऑक्शन पे से निकाल दिया जो कि तुम लोग देख सकते हो। तो अब बारी है हम लोग को इसको इक्विप करने की। तो फटाफट से अपना पुराना आर्मर को उतारते और भाई अपना आर्मर पहनते जो कि अभी भाई हम लोगों ने किया है। तो भाई लिटरली देखने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, तुम लोग ये देखो। तो भाई हम लोगों ने इक्विप कर लिया है, लेकिन यार मेरा ये नहीं पता चल रहा है यार भैया, तुम लोग देख सकते हो कोई सा भी इफेक्ट वगैरह नहीं मिला, जबकि ये लेजेंडरी आर्मर है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं बार बार इक्विप कर रहा हूँ लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा है। लगता है यार मेरे को ठग लिया है ऑप्शन वालों ने। मैं इफेक्ट वगैरह बारे में लिखा हुआ तो था यार, लेकिन कुछ देख रहे हो इतना हेल्थ है, लेकिन यार मेरे को कुछ भी हेल्थ वगैरह नहीं मिल रहा है। अब क्या पता ये ग्लिच है या क्या इशू है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो मैंने भाई बाई तो कर लिया, अच्छा आर्मर देखने को भी लग रहा है, लेकिन यार कोई सा भी इफेक्ट वगैरह नहीं दे रहा है। तुम लोग भी देख सकते हो, पता नहीं क्या ग्लिच है या फिर कैसे भी इसको एक्टिवेट किया जाता है, यार मेरे को खुद नहीं पता है दादा। मैं तो पहली बार बाई किया यहाँ का गॉड आर्मर और ये लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब देखने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और आप लोग बताओ कि मैंने सही आर्मर बाई किया है या फिर गलत आर्मर बाई कर लिया, मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है या फिर भाई मैंने सही बाई कर लिया, और इसका इफेक्ट वगैरह कैसे अनलॉक होगा वो भी सजेस्ट कर लेना। बाकी हम लोग वीडियो करते हैं, आप लोग यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया भाई प्यार से लाइक तो जरूर कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी यार इसका तलवार का देख सकते हो भाई, तलवार बहुत मेरा मस्त लगा, लेकिन यार ये आर्मर थोड़ा कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि यार इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह तो है ही नहीं। बाकी कैसा भी हो यार वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो कि लाइक वाले हम लोग लगते हैं आज का 70 लाइक्स। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।